हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है मटन करी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आप कुकर का मटन खाना पसंद नहीं करते हैं तो एक बार मेरी तरीके से जरूर बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम मटन लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। 5 बड़े साइज के ऑनियन को मैंने स्लाइस कर लिया है। लहसुन, जावित्री, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सूखी लाल मिर्च और अदरक ले रही हूँ। अब एक मिक्सर का जार ले और इन सभी को इसमें डालकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर ले। अब गैस ऑन करेंगे और कुकर को गर्म होने देंगे। कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और 3 तेज पत्ता ऐड कर लेंगे और इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम ऑनियन ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले और मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ले। ऑनियन फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम मटन ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक भी ऐड कर दें, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और हाई फ्लेम में ढक के 5 मिनट तक पकने दें। 5 मिनट हो चुका है, मटन पानी छोड़ चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढक के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम गरम मसाला का पेस्ट ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 3 चम्मच मीट मसाला ऐड कर लें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढक के मीडियम फ्लेम में फ्राई होने दें। हमारा मसाला हाफ फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर लेंगे। घी से मटन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ढक के मसाला के साथ अच्छे से फ्राई होने दें। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, घी भी ऊपर आ चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैं टोटल 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें और इसे 3 सीटी आने तक पकने दें। अब गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। कुकर ठंडा हो चुका है, देखिए हमारा मटन कितना बढ़िया बना है, इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। गरम रोटी, नान, पराठा, राइस, पुलाव किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।